जहाँ तक कि मेरे फील्ड को ऑप्ट करने की बात है कि मैं हादसाती तौर पर आया हूँ या मेरा कोई प्लान था, तो मैं हादसाती तौर पर कतई नहीं आया हूँ। मेरा एक बचपन से मेरी जो एक्टिविटीज़ थी, मेरी जो हॉबीज़ थी, वो मीडिया की तरफ मेरे रुझाना ज़्यादा थे। इसकी वजह यह है कि क्योंकि मेरे मामू जो हैं वो एक रेडियो आर्टिस्ट थे, तो उनको मैं रेडियो पर आते जाते हुए देखता था। और मैं बिफोर यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने रेडियो ज्वाइन किया था। रेडियो से मेरे लोकल लैंग्वेज शिनाब रुशिस की में एक दो ड्रामे भी प्ले हुए थे। तो ओवरऑल मैं घर पे टीवी देखने का भी बड़ा शौकीन था। टीवी पे भी मुझे ड्रामे फिल्में मैं देखता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। मुझे करंट अफेयर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से ही, तो मेरी रुझाना तो उस तरफ थे। तो मैं जब इंटरमीडिएट कराची से करके आया और जब यहाँ पे मुझे पता चला कि कराकरम यूनिवर्सिटी में जो है मीडिया डिपार्टमेंट खुला है, तो आप यकीन करें वो मेरे लिए एक बड़ा बड़ी खुशी हुई। और मैं खुशी खुशी जाके मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर मैंने एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में मैं वहाँ से मीडिया डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हुआ। फील किया या फील्ड माने के बाद जो हमें महसूस हुआ कि हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें शुरू में फेस हमने किया, जितने भी कैयू के एलुमनाई वहाँ से फारिग होकर अपने अपने फील्ड्स में चले गए, तो उनका आपस में कोई रबता नहीं था, स्कैटर्ड थे। पहले चैलेंज थी ताकि उनको गेट टुगेदर करना, जो हम ख्याल दोस्तों के ग्रुप्स बनाना, ये क्रेडिट आपको जाता है कि आपने बाकायदा तौर पर सबको गैदर किया और उनके मसाइल को आप डिस्कस कर रही हैं। बाकी मीडिया प्रैक्टिशनर्स के लिए मसाइल तो बहुत सारे हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे हम तो कैसे एरिए से बिलोंग करते हैं कि स्ट्रीमलाइन मीडिया में हमारे कोई स्पेस नहीं था, हमारा कोई सुनता नहीं था। और डिजिटल मीडिया से कनेक्ट हुआ हमें 2 या 3 साल अभी हो रहे हैं, ठीक है। तो आज से 3 साल पहले जो हमने मसाइल फेस किए हैं यहाँ पर, वो तो बहुत ज़्यादा थे। पहली बात तो यह है कि क्यू डिपार्टमेंट से जो भी मीडिया के जो स्टूडेंट वहाँ से फारिग तहसील हुआ है, मार्केट में उसके लिए कोई जॉब नहीं थी, ठीक है। और जब जॉब, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट कितने जॉब्स देगी, जब गवर्नमेंट जॉब नहीं क्रिएट कर सकती या इतनी कैपेसिटी होती भी नहीं है किसी भी दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट की, तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप के मौके होते। फिर उस हवाले से हमारी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग हुई नहीं थी। हमने थेरीज तो बहुत सारे पढ़े थे क्यू के अंदर। तो मीडिया थॉट्स के हवाले से ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें हम मीडिया कॉन्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली हम डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस करते हैं, वो टूवर्ड्स एनजीओज, टूवर्ड्स एनी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। हमने गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी मिलकर कुछ प्राइवेट सेक्टर के साथ भी, प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके लिए भी और कुछ एनजीओज के लिए भी हमने यहाँ से जो है वीडियो प्रोडक्ट हमने जो है प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा हम अपनी वीडियो बैंक बनाते हैं, अगर किसी को वीडियो फोटेज चाहिए होती है आर्काइवल्स, तो हम उसको सेल आउट भी, हमने बहुत सारे लोगों को हमने अपने फोटेज सेल आउट किया है। और इसके अलावा हमने कुछ ब्लॉगिंग हमने शुरू की थी। गिलगित बाल्तिस्तान का सबसे पहला जो फूड ब्लॉग था माउंटेन किचन के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा कामयाब रहा हमारा तजर्बा। उसमें हमारी कोशिश थी कि हम न सिर्फ इनकम जनरेशन हमारा मकसद नहीं है, बल्कि गिलगित बाल्तिस्तान के अंदर बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं। टूवर्ड्स टूरिज़म अगर हम बात करें तो टूरिज़म को लेकर यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन ये सही तौर से पोर्ट्रेट नहीं हो पा रहा था। तो हमने अपनी बिसात के मुताबिक हमने कोशिश की कि यहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक मीडिया के अंदर या दुनिया के लिए सही से पोर्ट्रेट नहीं हुआ था, उनको पेश करें। तो हमने लोकल कजीन को लेकर, जो लोकल फूड चेन था हमारे यहाँ का, हमने 3 सीजन्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1.5-2 साल के अंदर हमने बना दी है, और ये सोशल मीडिया पे अब भी हुआ और पूरी दुनिया से इस हवाले से हमें अप्रिसिएशन मिली। हमें यूरोप से कुछ बेकर्स, एक खातून थी, उसने हमें रब्ता किया और उसने कहा कि मैं जो है मिट्टी मीडिया थॉट्स के साथ मिलकर जो आपका जो माउंटेन किचन का जो अम्ब्रेला है, जो कि हमारा एक यूनिट है मीडिया थॉट्स का, हम आपके साथ मिलकर जो है राका पोशी के दीरान के साए में हम कुछ बेकिंग की क्लासें लेना चाहते थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि एक यूरोपियन बड़ी एक शेफ़, एक बेकर खातून जो है हमसे रब्ता कर रही हैं। तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने भी हमसे रब्ता किया कि फिर हमें आपका ये काम अच्छा लगा, तो ये हमारी कामयाबी थी। बाकी मसाइल जैसा कि मैंने अभी आपको बात किया कि फाइनेंशियल जो है ना, ये सबसे बड़ा मसला है। चूँकि हम एक ऐसे एरिए से बिलोंग करते हैं कि हमारे कोई पेरेंट्स या मीडिया से रिलेटेड यहाँ जितने भी अफराद हैं, उनमें से किसी का बाप कोई बिलीनियर या ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे इतने बड़े इदारे हैं नहीं, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर है नहीं कि वो आपको काम दे। तो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, अब देखें मीडिया कंपनी ओपन करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। चूँकि आपको पता है, आप भी मीडिया की स्टूडेंट हैं, कि मीडिया फील्ड के अंदर अगर आप अप टू डेट नहीं रहेंगे टूवर्ड्स इक्विपमेंट या ओवरऑल इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी, तो आपके फील्ड के अंदर रहना फजूल है, ठीक है। तो आप मीडिया इक्विपमेंट्स इतनी महंगी हैं कि उनको अफोर्ड करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आप यकीन करें कि जब हम सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हम सब बनाते हैं और एक अरसे तो हम अपनी ज़ाती तस्वीरों पे तशहीर या उन पे लाइक कमेंट्स देख के बड़े खुश हो जाते हैं, उनके एनालिसिस करते थे कि आज मेरी तस्वीर पर इतने कमेंट्स आए, लाइक्स आए,
लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर फारिग हुआ तो मैंने फील किया यार क्यों ना हम कुछ ऐसी सोसाइटी, चूँकि हमें फिर वही बात है कि हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जो अभी एड्रेस नहीं हुई है, अभी अनअर्थ नहीं हुई है। हमने कहा यार कि हम ऐसे छोटे छोटे इशूज़ को हाईलाइट करते हैं, हम उनका हल तो नहीं निकाल सकते हैं, अलबत्त रबाब इख्तियार का तवज्जो उस तरफ दिला सकते हैं। तो मैंने छोटे छोटे पोस्ट लिखने शुरू किए अपनी वेसिनिटी से ही। तो फिर अब जब आप लिखते हैं आपके पोस्ट पे लोग रिएक्ट भी करते हैं, लोग तबसरा भी करते हैं, तो फिर जब जाहिर बात है सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट जाता है तो वो आपका पर्सनल नहीं रहता, फिर वो पूरी दुनिया देख रही होती है। तो जब मैं जो जो मेरे टाइमलाइन जब ज़्यादा विजिट होने लगा, मुझे खुद फील होने लगा। तो जब ये रिसेंटली अभी मैं आपको एक मिसाल दूँ, जो मैं खुद भी बड़ी उस पर मुझे गर्व होता है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस पोजीशन पे हूँ। अब रिसेंटली क्या स्टूडेंट्स का पिछले साल जो 2020 में जो फीस के इश्यूज चल रहे थे, तो मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि यार यहाँ कोविड का ये मामला चल रहा है और यूनिवर्सिटी की तरफ से फीस जमा करने के लिए डेडलाइन दी गई है, तो ये उसका जो है लेटर है। उस लेटर पे लिख कर मैंने एक पोस्ट किया और वो मुझे नहीं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, वो विद इन फ्यू मिनट्स उस पर बहुत सारे शेयर्स एंड कमेंट्स हुई। तो शाम तक फिर वो पता चला कि बहुत सारे दोस्तों ने भी पोस्ट किए आगे पीछे से। तो फिर वीसी साहब ने अपनी वो जो एक डेट लाइन दी थी उसको वीसी साहब ने बैक किया। इसके अलावा जिस एरिए से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, उनके हवाले से हम पोस्ट वगैरह लिखते हैं तो उस पर नोटिसेस हो जाते हैं, और नोटिसेस भी होते हैं और मसाइल भी पैदा होते हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह हो जाता है कि बहुत सारे दोस्त अहबाब हमें हमसे कह रहे भी जो इन्फ्लेशंस होती हैं उनकी मुख्तलिफ उनके साथ, तो हमें डांट भी रहे होते हैं कि यार आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो कामिल कोई नहीं होता है, इंसान है ही गलतियों का पुतला और इंसान गलतियों से सीखता है। यहाँ पर यह दावा भी नहीं कि हम बहुत बड़े लोग हैं, हमसे बड़े सीनियर्स हैं, और सीखने का जो सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह वो कब्र तक जारी रहता है। ओवरऑल ही हमारे यहाँ पे खातून को हम अपने घर की मिसाल देते हैं, इसमें क्या मेरे ख्याल में झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए, हम खातून को या फीमेल को घर के कामों तक लिमिटेड कर रहे होते हैं। ये हमारे ओवरऑल कल्चरल एक प्रॉब्लम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पिछले कुछ 10-12 सालों से ये रुझान किसी हद तक कम हुआ है। आप यूनिवर्सिटी के अंदर अगर अभी आप देख लें तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां वहाँ पे तालीम हासिल कर रही होती हैं, और स्पेशली मीडिया फील्ड को लेकर जो है फीमेल खुद, वो जो खुद प्रैक्टिशनर है, अगर वो खुद भी अनसिक्योर इतना फील ना भी करे तो उसके पेरेंट्स अपनी बेटी को लेकर या अपनी बहन को लेकर अनसिक्योर फील कर रहे होते हैं कि यार मीडिया का फील, मैंने कहा ना कि मीडिया को लेकर स्टीरियोटाइपिंग कुछ ज़्यादा ही है कि यार ये कोई अच्छा फील्ड नहीं है या ये वो। उस हवाले से फिर हमें ये करना होगा कि हमें मोटिवेट करना होगा अपने पेरेंट्स को, सोसाइटी को अवेयर करना होगा कि मीडिया की अहमियत को लेकर, कि मीडिया के रोल को लेकर, ठीक है। और उन बदकिस्मती से पता नहीं मुझे कहना चाहिए भी या नहीं कि बहुत सारे मीडिया से रिलेटेड अफराद की फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं कि जिनको लेकर फिर उस चीज़ को जनरलाइज़ करते हैं कि लोग कि सारे ऐसे होंगे, नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। अगर मैं एक मीडिया प्रैक्टिशनर होने के साथ साथ मेरी एक पर्सनल लाइफ भी तो है ना, अगर मैं अगर कोई गलत काम करता हूँ तो इट नेवर मीन्स कि पूरी मीडिया फील्ड ही ऐसी हो, वो मेरा एक पर्सनल एक मैटर होता है। इस चीज़ को लेकर भी लोग अनसिक्योर फील करते हैं, तो मेरे ख्याल में मीडिया का जो फील्ड है वो इतना अनसिक्योर नहीं है जितना हम इससे डरे हुए हैं। हमें अपने बहनों को, अपने अपनी बेटियों को, हमें अपने फीमेल्स को भी इस फील्ड में आगे ले आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं स्पेशली फीमेल्स के कि जिनको एड्रेस करना एक टेबू बन गया, मतलब उन पे बात करना ही एक लोग पता नहीं अजीब गरीब समझते हैं। तो अब ख्वातीन के मसाइल को जितना ख्वातीन समझती हैं शायद उतना मर्द ना समझ पाए, तो इसलिए मैं चाहूँगा बीइंग ए मीडिया स्टूडेंट कि फीमेल्स इस फील्ड में आगे आ जाएँ और अपना इनपुट दें, सोसाइटी के इशूज़ को एड्रेस करें, बात करें, तो ये एक प्राउड मोमेंट होगा। बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ऐसी कोई कंपनी रिकॉर्ड में नहीं है। अलबत्त बीइंग अ मीडिया कंपनी हमारी एक यहाँ पे बहुत छोटी सी कंपनी है मीडिया थॉट्स, इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो जेंडर इक्वलिटी है ये बाकायदा तौर पर हो। हमने खुद भी बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स को, स्पेशली के आईयू के स्टूडेंट्स को हमने खुद भी एक्सेस किया कि इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, अगर हम उनको प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अगर आप लोग आना चाहें, और जो स्टूडेंट्स खुद से यहाँ पर आए तो हमने भी कभी उनको डिस्करेज भी नहीं किया, जितना हमसे हो सकता था विद इन अ लिमिटेड सेट ऑफ फैसिलिटीज़ हमने बहुत कोशिश किया है कि हम उनको इंटरटेन कर पाएँ। अभी हमारी खुद ऐसी पोजीशन है कि हमें खुद फैसिलिटेशन की ज़रूरत होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि फ्यूचर जो है बड़ा अच्छा है, वो मेल्स के हवाले से हों या फीमेल्स के हवाले से हों, इंशाल्लाह ताला मीडिया प्रैक्टिशनर्स ही होंगे या मीडिया स्टूडेंट्स ही होंगे जो इस गिलगित बल्तिस्तान के को सही मानों में रिप्रजेंट करेंगे इंशाल्लाह।